नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा का कहना है कि आपने एमसीडी सदन में बहुमत खो दिया है। दिल्ली नगर निगम में भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़कर 115 हो गई, जबकि आप पार्षदों की संख्या घटकर 124 रह गई है, जबकि स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 125 है। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। एमसीडी में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आज नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में बहुमत खो दिया है, ऐसे में अब उसे सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि एमसीडी में वर्तमान में 249 निर्वाचित पार्षद है, आम आदमी पार्टी के पास अब केवल 124 पार्षद है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 125 है, इसलिए आपने स्पष्ट रूप से बहुमत खो दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मेयर डॉक्टर सेली ओबराय की तानाशाही ने एमसीडी के कामकाज को ठप कर दिया है। नगर निगम अपने अनिवार्य कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। एमसीडी की सफाई सेवाएं आज सबसे खराब स्थिति में है, जबकि मच्छरों के प्रजनन से संबंधित बीमारियां डेंगू और मलेरिया जैसी तेजी से फैल रही है, लेकिन मेयर के पास समाधान खोजने के लिए समय नहीं है। हालांकि भाजपा के दावे के बावजूद एमसीडी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी अभी भी बहुमत में है। निगम में पार्षदों की संख्या भले ही बहुमत से एक कम हो गई है, लेकिन मेयर चुनाव में दिल्ली सरकार के मेंबर के तौर पर आए विधायक और दिल्ली के राज्यसभा और लोकसभा सांसद अभी मतदान कर सकते हैं। इन सभी को जोड़ दें तो आप अभी बहुमत में है। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद आज भाजपा में शामिल हो गए। इनमें 2 महिला पार्षद दिलसाद कॉलोनी से प्रीति और ग्रीन पार्क से सरिता फोगाट शामिल है। वहीं इनके साथ मदनपुर खादर ईस्ट से पार्षद प्रवीण कुमार ने भी आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।